हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस नेट सेट के पेपर वन के कम्युनिकेशन पर हमें पांच सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से कम्युनिकेशन प्रोसेस पर एक सवाल आपको पूछा ही जाता है तो कैसा सवाल हो सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस पर तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्फ फॉरमोस्ट इज दिस कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसका क्रोनोलॉजी लगा दिखाना है हमें मीन्स उसका क्रोनोलॉजी क्या हो सकता है तो ये है उसका क्रोनोलॉजी एक्चुअल क्रोनोलॉजी इज दिस जैसे मैं आपको बता दू दिस इज द क्रोनोलॉजी सेंटर देन एनकोडिंग देन चैनल देन रिसीवर एंड देन एंड डिकोडिंग और डिकोडिंग के बाद होगा फीडबैक इज द राइट क्रोनोलॉजी मिस ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकिन जब हमें सवाल पूछा जाएगा तो सवाल पूछेंगे तो उसमें क्रोनोलॉजी बदल देंगे और एक ही राइट क्रोनोलॉजी रहेगी क्रम रहेगा वो क्रम होगा ये नो सेंडर सेंडर अ इट थ्रू नो रिसीवर रिसीव इट एंड डिकोड्स एंड आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज रिसीवर गिव्स फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ सम रिस्पॉन्स मिस ये पूरा ये जो छः बातें हैं ये छः बातें होनी ही चाहिए ये छः बातें होना कम्युनिकेशन प्रोसेस इफ़ यू वांट टू बी टेकन प्लेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिक्स थिंग्स हैव टू बी डन इफ नॉट एनी एनी वन ऑफ द थिंग इफ मिसिंग अगर वो मिस होती है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा नो अगर कम्युनिकेशन होना है तो इन बातों से हमें जाना ही पड़ता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इजी एज वेल समझने के लिए जैसे मैं आपसे क्या आई एम अ सेंडर मैं क्या कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं और मैंने इस एनकोडिंग कर दिया है मैंने कम्युनिकेशन प्रोसेस ये मेरे दिमाग में चल रहा है और मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो मैं बताने के लिए आई एम यूजिंग द चैनल यू नो और इस चैनल आप तक पहुंच रहा है पहुंचेगा यूट्यूब के जरिए यू विल रिसीव दैट लिंक एंड ऑल फिर आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे और फिर फीडबैक देंगे इन द फॉर्म ऑफ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे समथिंग यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स और इवन दो यू हैव नॉट रिटर्न तब भी चलेगा लेकिन वो लिख देने से क्या होता है आई गेट द फीडबैक एंड एक्चुअली वी कैन हैव द कम्युनिकेशन ये होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें होती है वट थिंग्स आर देर ओके सो देर इज ज अंटिन्यूस एंड डायनेक्शन ये हम देख चुके हैं कल भी हमने इसका देखा था वेरिएबल्स अफेक्ट वेरिएबल्स का जिक्र हमने रिसर्च uh, एप्टीट्यूड uh, में कर चुके हैं यहाँ पर मिस वेरिएबल बोले तो परिणाम करने वाले जो घटक होते हैं you know, उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है <coughs> जो बदलाव लाते हैं नो you know, so, इन कम्युनिकेशन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन गोज इन द फॉलोइंग वे तो जो इन्फॉर्मेशन का देने का जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से जाता है जो भी अभी मैंने आपको बताया नो द सेम इज देयर दैट सेंडर इज देयर एनकोडिंग चैनल रिसीवर डी कोडिंग एंड फीडबैक एज सच आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हु इज़ अ सेंडर वन हुड्स द मैसेज कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सेंडर फिर uh, हमें पता है कि सेंडर उसका नाम ही देखो सेंड Sender, receive, receiver, you know, encode, encoder, decode, decoder. ये बहुत सिंपल सी बातें लगने के बावजूद भी मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर हम किसी ड्राफ्ट को किसी इंफॉर्मेशन को किसी बात को अगर समझना चाहते हैं सही तरीके से खास करके जब वो बड़ी एग्जाम्स की बात है तो, तो बहुत छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी हो जाता है चल देखते कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर सेंडर इज एनी पर्सनल ग्रुप और हु वांट्स टू शेयर नॉलेज इंफॉर्मेशन विध प्रमिट ऑब्जेक्टिव है नो ये बहुत मस्त बात है नो no? वो कब बात करता है इंफॉर्मेशन को कब डिसिपेट करता है विद सम प्री डिटर्मिट ऑब्जेक्टिव उसके दिमाग में कोई ना कोई बात होती है जैसे मेरे दिमाग में है कि मैं आप तक कम्युनिकेशन प्रोसेस पहुंचाऊ ये मेरा प्री डिटर्मिट ऑब्जेक्टिव है ओके okay, और इस प्री डिटर्मिट ऑब्जेक्टिव को इंफॉर्मेशन uh, के तौर पर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं सो आई एम सेंडर, एक्चुअली ही इज द प्रोमोटर ऑफ द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस वो शुरू करता है नो, प्रमोट करता है सो दैट इज दैट्स नॉट मीन्स ये बहुत जब नेट सेट की पढ़ाई कर रहे हो तो इतनी आसान सी बातें uh, आपको पता है आई नो बट इवन आफ्टर दैट हम किसी ड्राफ्ट के जरिए जा रहे हैं तो जाते जाते हमारी समझ में आता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर हमें सवाल पूछा जा सकता है सोलेट सी द नेक्स्ट एनकोडिंग सॉरी एनकोडिंग इज द कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन आइडियाज थॉट्स एंड एक्सप्रेशन दिमाग में कुछ चल रहा है ओके समथिंग इज गोइंग ऑन लेकिन अगर मैं इसको बताऊंगा ही नहीं तो, तो मेरा बताना नो

देन जेस्टर्स इन विच द आइडियाज आर ट्रांसफॉर्म्ड नो ये सारी बातें जैसे कोई पिक्चर भी अगर हम देख लेते हैं जैसे कुछ केव्स में हम चले जाते हैं और वहाँ पर मूर्तियाँ देखते हैं वॉट एवर वी सी नो वी ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट वी ट्राई टू डिसाइफर द मीनिंग ऑफ दैट सो दिस इज वॉट ये सारी बातें हम जैसे सिम्बल्स होते हैं नो लॉन्ग बैग अगर हम देखेंगे तो सिंबल्स में भी बातें होती है नो no, जेस् में भी बातें होती हैं हाव भाव होते हैं हमारे अभी अभी जो हाल ही में एक फिल्म आई थी नो कांतारा दैट डाइव नो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि जेस्चर्स के जरिए और आपके सिंबल्स के जरिए कैसे बात को पहुंचाया जा सकता है तो लास्ट सीन ऑफ कांतारा अगर आप देखेंगे तो दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एपिटमी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जिसमें आइडिया को ट्रांसफर किया गया है बहुत सी बातें बताई हैं एक्चुअली मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरी सिनेमा का जिस्ट उसमें बताने की कोशिश की है उस आखिरी सीन में सो दैट इज द थिंग आगे बढ़ेंगे इन विशेल सी चैनल चैनल बोले तो व्हीकल और द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसके जरिए बात पहुंचाई जाती है ऐसा कोई भी जो वाहक होता है व्हीकल होता है मीडियम <coughs> होता है उसे हम चैनल कहते हैं वी नो दैट औरल कम्युनिकेशन चैनल्स में ये सारे एडवांटेजेस है जैसे वॉट एवर आई एम स्पीकिंग नाउ यू नो डीलिंग विद सर्टन आइडियाज दैट इज़ माई औरल कम्युनिकेशन इसके कुछ एडवांटेज होते हैं इस पर भी सवाल बनता है बहुत बार सो वॉट इज द एडवांटेज ऑफ औरल कम्युनिकेशन सबसे पहले इट इज़ अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन देन फीडबैक इज इमीडिएट जैसे मैं आपसे अगर आमने सामने बात कर रहा हूँ तो आप फॉरन मुझे फीडबैक दे सकते हो राइट रॉन्ग अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट एग्री वॉट नॉट द रिस देंडरली नो सेंडरिटी द रिसीवर्स कैन सेंस देंडरिटी ऐसा चाहिए था आई एम सॉरी फॉर दिस ये किसी तरीके से गड़बड़ा गई है बात नो no. सेंडर की सिंसरिटी समझ में आती है औरल कम्युनिकेशन में इट इज़ मोर पर्सेसिव एंड लेस एक्सपेंसिव देन रिटन। नो पर्सेसिव बोले तो ये मिस इसे ये अपनी बात पहुंचा सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटर्न में बहुत बार मैसेज दे दिया तो पता नहीं उसका कैसे होगा सब कुछ इंटरप्रिटेशन कैसे होगा समझ कैसे होगी उसकी क्या क्या बातें होगी वो इतना समझ में नहीं आता है लेकिन औरल कम्युनिकेशन में हम कन्विंस कर सकते हैं पसवे कर सकते हैं बस हमारी बात नहीं सारे कम्युनिकेशन की जड़ क्या है कि जो कुछ मुझे लगता है जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम आइडियाज़ ओपिनियंस व्यूज़ थाट्स एक्सप्रेशंस वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप उससे एग्री करें और फिर औरल कम्युनिकेशन में होता है कि हम जब एग्री नहीं कर रहा है कोई तो उसे पर्सवे किया जा सकता है बार बार कहा जा सकता है बार बार बताया जा सकता है रेफरेंस दिए जा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में लाया जा सकता है मैं क्या सोच रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत अलग अलग ढंग से बताया जा सकता है इन औरल कम्युनिकेशन ओके सो इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ औरल कम्युनिकेशन एज सच और इसके एडवांटेज इट कैन लीड टू स्पॉन्टीन्यूस इलकन्सिडर्ड स्टेटमेंट्स झगड़ा हो जाता है ना और कम्युनिकेशन <नहीं, communication> में स्पॉन्टीन्यूस <laughs> होता है तो बहुत बार झगड़ा हो जाता है मैं शुरू से कह रहा हूँ वेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ऑल आई हैव बीन डीलिंग विद दिस सम टू और थ्री डेज सो व्हाट वी फाइंड दैट पीपल दो हैविंग सो मेनी टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इवन आफ्टर दैट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ दिस डिसडवाटेज no? एक जो डिसडवाटेज है इट कैन डीड टू स्पॉन्टीन्यूस इनकन्डर्ड स्टेटमेंट्स देर कैनॉट बी देर कैनॉट बी परमानंट रिकॉर्ड्स ऑफ सच कम्युनिकेशन ये बहुत खतरनाक चीज है मीन्स आप इसको थोड़ा लाइटली ले लें थोड़ा कॉमेडी के तौर पर ले लें जैसे देखो औरल कम्युनिकेशन में मैंने आपसे मींस आप, आप मेरे सामने खड़े हो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते हुए मैंने कुछ कह दिया किसी के बारे में ओके okay. और आपने जाके उसको बता दिया कि वो आपके बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहा था वो आकर मुझसे पूछेगा मैं कहूँगा मैंने ऐसे कहा ही नहीं चलो बताओ सबूत बताओ सो आई के नॉट नहीं घरक इसे क्या कहते हैं सच झूठ साबित नहीं हो पाता है ओरल कम्युनिकेशन में बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एनी परमानेंट रिकॉर्ड हाँ लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इस बात को अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो फिर ये रिकॉर्ड बन सकता है नो लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए इ शुड नॉट बी डन एज सच लेकिन देयर कैनॉट बी परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन एज सच आगे बढ़ते हैं सी चैनल्स इन कम्युनिकेशन और आपको पता है उसके क्या क्या चैनल्स है उसके क्या क्या मीन एडवांटेजेस हैं द मैसेज कैन बी रिवाइज सेवरल टाइम्स जैसे मैं ये सब पढ़ाने के बाद अगर आपको पीडीएफ दे देता हूं पीडीएफ you know, देने के बाद वॉट यू कैन डू द मैसेज इन दी डी एफ कैन बी रिवाइज सेवरल टाइम्स इट इज परम रिकॉर्ड दैन दैट कैन बी सेव आपको बताए कि इसको सेव किया जा सकता है द मैसेज स्टे द सेम इवन इफ रिलेड डिलेड थ्रू रिलेट थ्रू मैनी पीपल बहुत सारे लोगों तक जाने के बाद भी मैसेज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता है ऑरल कम्युनिकेशन में हो जाता है बात कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक चली जाती है एक फिल्म थी अगेन आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ द फिल्म फिल्मों का रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा पूरा पी जो है वो फिल्म कम्युनिकेशन एंड नावल ड्रामा टीचिंग पर था आधारित तो बस आपको पता चले कि हु इज़ टीचिंग यू एंड वाई आई एम गिविंग द रेफरेंसेस ऑफ द मूवीज़ तो संजो फिल्म में ये बात होती है कि बात एक जगह से निकलती है और जब आखिरी के बंदे तक जली जाती है तो बड़े अजीब तरीके से जाती है औरल कम्युनिकेशन में बहुत ही बड़ा मीनस धोखा होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है जो बात इस पत्र में अभी लिखी है ये पत्र हजारों लोगों तक भी जाएगा मैसेज वायरल होना हम जिसे कहते हैं ना? तो जब वो वायरल होता है तो सब लोग उसे उसी तरीके से पढ़ते हैं जो पहले ने पढ़ा है चाहे फिर लाख लोग पढ़े कि मिलियंस लोग पढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिसीवर हैज़ मोर टाइम टू एनालाइज द मैसेज सिंपल सा गुड मॉर्निंग को भी आप आराम से एनालाइज कर सकते हो ऐसा ही गुड मॉर्निंग क्यों कहा गया है यहाँ से लेके तो जो भी मैसेज होता है उसको आप बहुत आ, देर तक एनालाइज करने के लिए आ, मिस रुक सकते हो नो रिपीट कर कर आप बार बार उसे पढ़ सकते हो सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्चुअली ठीक है नेट सेट के पेपर वन में दी गई हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कम्युनिकेशन के ड्राफ्ट को आप रियल uh, लाइफ में भी थोड़ा ठीक तरीके से uh, समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सेव द इंटायर ह्यूमैनिटी एज सच ह्यूमन क्रिएट नो ये बहुत मीन्स बड़ी बात है जितने भी सारे वॉर्स हो रहे हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रा कम्युनिकेशन दोनों ना होने की वजह से हो रहे नो यू no? you know, मीन्स हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स आपको भी ऐसा मीन्स बहुत बार लगेगा कि हाँ क्या मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ किसी से तो आपको एकदम फ़ौरन एक दो नाम नहीं आएंगे आपके सामने इसमें मीन्स गलती किसकी इसके बारे में नहीं सोचेंगे हम लेकिन हम पूरी जो आ, मानवता है अब इस बात से परेशान है कि हम बात नहीं कर पा रहे इसलिए यूरोप में अमेरिका में फॉरेन uh, लिटरेचर में इंग्लिश लिटरेचर में खास करके एप्सर्डिटी नाम की टर्म आई और इस एब्सर्डिटी ने बता दिया कि ह्यूमन आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर टू पीपल आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ये बातें हो रही हैं इसीलिए भी इस ड्राफ्ट को समझना चाहिए कि रिसीवर हैज़ मोर टाइम टू एनालाइज द मैसेज किसी भी मैसेज को आप ध्यान से आराम से एनालाइज कर सकते हो करना चाहिए नो no, मिस मैं तो ये यहां तक मानता हूं मिस वेरी पर्सनली आई कैन टेल यू कि मैसेज लेना लेते आना चाहिए हमको जब आपके बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ कहते, आप कहते हैं आपके अच्छे दोस्त आपसे कुछ कहते हैं या फिर बुरे वाले लोग भी आपके बारे में अगर कुछ कहते हैं तो ऐसे मैसेजेस आपको लेते आने चाहिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैसेज इसको अच्छे से एनालाइज करते आना चाहिए जितना ज्यादा आप इसमें घुसेंगे आप अच्छी तरीके से बातों को समझना शुरू कर देंगे आई विल नॉट आस्क यू टू बिकम द सी बी आई ऑफिसर सी आई डी ऑफिसर एस एच नो क्योंकि वो लोग ये खास करके करते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस में भी ये बातें होती हैं नो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट में भी इन बातों का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है कि कोई अगर कुछ कहता है तो क्यों कहता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट इसके एडवा डिसएडवांटेजेस भी हैं सेंडर हैज़ नो कंट्रोल ओवर The The sender has, sorry. The sender has has sorry. no control over where and when. Or if the message is read, the sender does not receive immediate feedback. ये बहुत आसान चीज है आजकल तो व्हाट्सएप के जमाने में देखो बड़ी चालाकिया आ रही है कि डबल टिक ब्लू टिक ना दिखते हुए भी कोई मैसेज पढ़ लेता है होता है कि नहीं ऐसा ऐसा होता है लोग ऑफलाइन चले जाते हैं फिर उस मैसेज को पढ़ते हैं और फिर इसको बिल्कुल भी हम हाँ, सेंडर को समझ में नहीं आता है कि वेदर माय मैसेज वाज रेड और इट वाज नॉट रेड आई सच और उसको नहीं समझ पाता है लोग पैनिक भी हो जाते हैं यू नो कब मैसेज पढ़ा जाएगा पता भी नहीं बहुत बार ऐसा जवाब आता है अरे यार मैंने तेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा आई एम नॉट रेड योर मैसेज टैक्स मैसेज अगर है तो बहुत बार नहीं पढ़ा जाता है ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इसका अनदर इज द थिंग द रिसीवर मे नॉट अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ द मैसेज बहुत बार मीन्स ये हो जाता है कि मैसेज के कुछ हिस्से समझ में नहीं आते हैं द मैसेज मस्ट बी लॉन्ग इनफ टू कंटेन इन्फॉर्मेशन टू रिसीव बैक एंटिसिपटेड आंसर टू हिज क्वेरीज और मैसेज को ठीक से लिखना पड़ता है इसमें दो टुक बात करके नहीं चलता है कुल मिलाकर बातें लिखनी पड़ती है ताकि रिसीवर को सारी बातें समझ में आए चैनल्स इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इट इंक्लूड्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम फैक्स ईमेल ये सारी बातें हमें पता है नो कंप्यूटर सिस्टम फैक्स नो टेले और वीडियो कम्युनिकेशन जो भी हम अभी कर रहे हैं नो दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर यू नावट इज जो भी आपकी जनरेशन है इस जनरेशन में ये सारा चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसके एडवांटेजेस है कुछ स्पीडी कम्युनिकेशन होता है नो no? सॉरी स्पीडी कम्युनिकेशन होता है देन इट सपोर्ट्स क्विक ट्रांसमिशन देन वाइड कवरेज नो जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये दुनिया भर में कहीं पर भी इस बात को देखा जाएगा दुनिया भर का कोई भी शख्स इसे अभी देख सकता है इमीडिएट नो इवन आई कैन टाइप हाई टू माई फ्रेंड हु इज देयर इन अमेरिका एंड इमीडिएटली ई कैन गेट द मैसेज नो वाइड कवरेज है इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कवरेज है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल्स वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज यू नो तो इसके ज़रिए हम बोल सकते हैं कि दुनिया क्या बन चुकी है एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है दिस इज़ वेरी पैराडॉक्सिकल वन नो ग्लोबल भी है और विलेज भी है विलेज में क्या होता है कि एक छोटा सा गांव होता है और गांव में जो भी बात होती है वो फ़ौरन हर किसी को पता चल जाती है अब हमारी पूरी दुनिया एक गांव के जैसे हो गई है एक देहात के जैसी हो गई है और इसमें हम देखते हैं कि वायरल होना नो वायरल होना पहले गांव में बातें वायरल होती थी अब बातें ऑनलाइन वायरल हो जाती हैं नो देन देर ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम देन आपका व्हाट्सएप देन स्नैपचैट एंड वॉट नॉट नो देर आर मैनी मीन्स बहुत सारे मीडियम हैं और इन मीडियम्स के जरिए ग्लोबली uh, बात पहुंच जाती है जैसे किसी छोटे से देहात में सौ दो सौ लोगों के देहात में नो no, खेड़े में जो बात बड़ी आसानी से सवेरे निकली हुई बात दोपहर तक सबको पता चल जाती है अब ऐसा होने लग गया है सो इन दिस रिगार्ड दिस ग्लोबल विलेज टर्म हैज़ कम एंड कम्युनिकेशन अराउंड द ग्लोबल रिक्वायर्स सेकंड ओनली सेकंड भी नहीं लगता है अब तो नो नॉट इवन सेकेंड्स लो कॉस्ट पैसा नहीं लगता है बहुत कम पैसा लगता है एक्सचेंज ऑफ फीडबैक बातचीत करते हैं लोग एक दूसरे से उसका फीडबैक देते हैं उस पर रिस्पॉन्स देते हैं ट्विटर पर तो यह बहुत जोर में चलता है खास करके देन मैसेजिंग ग्लोबल ऑपरेशन ये सब कुछ पता है आपको हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड वी शैल सी द नेक्स्ट थिंग्स एज सच रिसीवर इज एन अनअवॉडेबल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन अभी कम्युनिकेशन में हर चीज़ अनअवॉइडेबल है एक्चुअली नो रिसीवर इज वन ऑफ द थिंग डिकोडिंग वो पढ़ता है देखता है इंटरप्रेट करता है एनालाइज करता है और फिर ये सब कुछ होने के बाद वो करता है उसका फीडबैक देता है नो द फीडबैक इज गिवन फीडबैक बोले तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फीडबैक कब दिया जाएगा ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फीडबैक इज पॉसिबल नो दैट रिसीवर गिव्स रिस्पॉन्स टू रिसीवर उसको क्या करता है रिस्पॉन्स देता है विच इज़ कॉल्ड एज फीडबैक और इसी रिस्पॉन्स को क्या कहा जाता है फीडबैक कहा जाता है बहुत बार देखिए आप मेडिकल शॉप्स में जाते हो आप बड़े बड़े मेडिकल शॉप्स में या कई मॉल्स में चले जाते हो या फिर अगर आपने ऑनलाइन भी कुछ खरीदा है तो आपके पास क्या मांगा जाता है फीडबैक मांगा जाता है फीडबैक क्यों मांगा जाता है ताकि ये फीडबैक ही एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए वो अपने आप को अपडेट कर पाएंगे बदल पाएंगे मॉडिफाई कर पाएंगे नो, नोस बदलाव लाएंगे सो मेनी थिंग्स आर देयर फीडबैक रिवर्स इज द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्चुअली इट whether वेदर द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज इन द सेम वे sender वॉन्ट्स इट और नॉट फीडबैक ही एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए पता चलता है कि रिसीवर के दिमाग में जो चल रहा था एट द टाइम ऑफ सेंडिंग मैसेज वही मैसेज उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा देखिए यही बात होती है मैं बार बार कह रहा हूं मिस कम्युनिकेशन होना आप जिसे कहते नी वॉट वी कॉल इट मिस कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन कब होता है जब रिसीवर सेंडर uh, के दिमाग में जो चल रहा है सेंडर के दिमाग में चल रही बात रिसीवर तक उसी तरीके से जब नहीं पहुंचती है और वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तब क्या हो जाता है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है फिर झगड़े हो जाते हैं फिर लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं बिकॉज सेंडर के दिमाग में होती है एक बात और रिसीवर उसको एग्जैक्टली exactly अगर उल्टा लेता है तो फिर शुरू हो जाता है तमाशा नो, you know, मैं ये नहीं कहना चाहता था मुझे ये कहना था न सो मैनी थिंग्स आर देयर बहुत ही ज़्यादा फ़न है इसमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी है इसमें नो no, मीन्स ऐसा कहा जाता है कि एक तो दो होशियार लोग दोस्त बने रिश्ते में रहें या दो मूर्ख लोग दो रिश्तों में रहें लेकिन एक होशियार है और एक मूर्ख है या एक मूर्ख है और एक होशियार है तो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं बन पाएगी ठीक से नहीं चल पाएगी ना no, आप समझ रहे हो आइदर और ये स्ट्रैटेजी में जाना पड़ता है हमें कि uh, समझना टू अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड होगा इसी तरीके से बोलना ये दो बातें बहुत जरूरी है मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रिसीवर ये बहुत जरूरी चीज है सो कम्युनिकेशन इज अ बिग थिंग नो दोनों में कॉमननेस है, है हमने जो देखा कम्युनिस्ट का मतलब क्या देखा कॉमननेस शेयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये सारी बातें बहुत बड़े वैल्यूज है एक्चुअली दिज आर द ग्रेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड के बहुत बड़े वैल्यूज है लेकिन हम देखते हैं कि बातचीत में कॉमननेस नहीं दिखता है नो बातचीत में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती हमें बातचीत में शेयर करना नो शेयर करना शेयर करना ये बहुत अच्छी चीज़ है नो इट्स अ वंडरफुल थिंग योर सारोज एंड हैप्पीनेस यू कैन शेयर विद अदर्स लेकिन हम देखो आप जब भी सुख में होते हो तो ऐसे लोगों से मिलना चाहते हो जो आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो पाता है जो आपको सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे नो सही रिस्पॉन्स देंगे नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़ कि जो सही रिस्पॉन्स देते हैं हम उन्हीं से अपने सुख भी कहते हैं दुख भी कहते हैं जो लोग सही रिस्पांस नहीं दे पाते हम उनसे बात नहीं कर पाते और देखिए आप हम इस इसको थोड़ा सोचिए क्या आप अपने घर में सही रिस्पांस दे पाते हो या सही रिस्पांस आपको मिलता है आप आपके स्कूल कॉलेज में क्या आपको सही रिस्पांस दिया जाता है क्या आप सही रिस्पांस देते हो आपके दोस्तों में रिश्तों में क्या सही रिस्पांस की एक्सचेंज होती है वॉट एवर यू आर यू एक्सपेक्ट द राइट रिस्पॉन्स करेक्ट रिस्पॉन्स एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स और देखिए दोस्तों माने या ना माने लेकिन ऐसा नहीं होता है रिस्पॉन्स के तौर पर ही कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट गया इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि एक्चुअली इट इंश्योर्स वेदर द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज इन द सेम वे देंडर वॉन्ट्स टू और नॉट सेंडर जैसा चाहता था अब यहाँ पर यह नहीं कि सेंडर जैसा चाहता है वैसा ही रिस्पॉन्स मिले सेंडर की भी मीन्स uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है कि वो ऐसी ही बात कहे जिसका सही कोई अगर गाली देगा और uh, ये सोचेगा कि uh, सामने वाले ने चुप रहना चाहिए या अगर उसका एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द रिसीवर तो ऐसा नहीं होगा तो बातें हम क्या करते हैं किन बातों में रहते हैं कैसी बातें हम आगे बढ़ाते हैं दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सेंडिंग द मैसेज रिसीविंग द मैसेज एंड हैविंग द रिस्पांस ऑफ इट और गिविंग द रिस्पांस टू इट इन दिस वे वी कैन सी कि ये सारी बातें होती हैं एक्सक्यूज मी एंड देन वी शेल गो फॉर दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टुमारो हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कल देखेंगे सो दीज आर ओनली द मीनस ये बस एक ट्रेलर के तौर पर आप देख लें कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये तीन हिस्से होते हैं देर आर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ एक्सप्रेशन एज सच तो थैंक यू वेरी मच आप हमारा चैनल देखते रहे वीडियोज़ देखते रहे आपकी नेट सेट की प्रिपरेशन आप अच्छे से करें और अगर आपको और कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें बताए आ, कहे कि वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट नो no, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले इस नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आज इसी तरीके से आपका पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे सो थैंक यू वेरी मच